नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ग्रीटिंग्स हम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन पर। मेरे साथ में माही है, 3.5 साल का है, 5 साल से कम है। कल मेरे से किसी ने एक सवाल पूछा कि जब कृष्ण माखन चोर था तो फिर आप चोरी करने को मना क्यों करते हो। एक बच्चे ने सवाल पूछा, कृष्ण को तो अलाउड है, मेरे को अलाउड नहीं है, जब मैं चोरी करता हूं तो आप मुझे मारती हो, उसने अपनी मम्मी से पूछा। और उसकी मां ने यह सवाल मेरे से पूछा और कहा कि मैं इसको क्या जवाब दूं। ऐसे सवाल जब बच्चे करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे जवाब दें। मां मीमांसा फिलॉसफी में बिलीव करती है कि जो बताया गया उसको मानना है। बच्चा नई जनरेशन का गूगल एज का है, उसे तो आंसर वेदांता फिलॉसफी में चाहिए, उसे तो आंसर चाहिए ज्ञान मार्ग के अंदर में, दैट गॉड इज इन मी। उस ढंग से अगर मुझे बच्चे को समझाना है तो बच्चा जब पैदा होता है तो प्योर कॉन्शियसनेस होता है, मन बुद्धि अहंकार उसमें विकसित नहीं होता। मन विकसित होना चालू होता है 5 साल के अंदर में, जब वो स्कूल जाता है, जब माइंड को टेम करने की जरूरत होती है, जब वो सवाल पूछना चालू करता है मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये 5 साल बच्चा प्योर कॉन्शियसनेस है, अनकंडीशनल लव, प्यार को खाता है, प्यार बांटता है, प्यार से सोता है, किसी के पास भी चला जाता है, मुस्कुराता रहता है। इस अनकंडीशनल लव को मक्खन बोलते हैं। इसलिए कृष्ण का वो रूप जो 5 साल से पहले का है, स्कूल जाने से पहले का है, वो माखन चोर का है। यानी कि इस पीरियड में बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, हर आदमी उसके साथ प्यार से बात करता है। और शायद इसीलिए न्याय के अंदर में, न्याय शास्त्र के अंदर में 5 साल के बच्चे की गवाही को सच माना जाता है, यह कह के कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो बच्चों को उसी ढंग से समझाएं जिस लैंग्वेज में वो समझना चाहते हैं। सो लेस देन 5 ईयर्स ऑफ चाइल्ड इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये बच्चा हमारे साथ में है, 1.5 साल का है, इसको भी हम यही मानेंगे कृष्ण का रूप है। इसके साथ में हमेशा इसको पॉजिटिव ही, ये मक्खन ही खाएगा, प्यार ही बांटेगा, प्यार को ही अपने जीवन में सिवेगा। थैंक यू।